अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जी हो रहा था शाम का टाइम, तकरीबन 5 बज रहे थे। हम लोग अभी सो के उठे थे, हम लोग वैसे सुबह ही जो है वो सोए थे, तो इसलिए हम लोग अभी उठे थे। और यहाँ पर आप चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी जब सोने की रूटीन ख़राब होती है ना, तो मुझे ना एसिडिटी वगैरह के ना इशू हो जाते हैं, तो इसलिए हस्बैंड जो है वो समोसे वगैरह लेने गए थे, तो वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए थे, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा था। मैंने कल रात का खाना खाया बताओ, और अभी भी मैंने सिर्फ नमक पारे और चाय ही जो है वो पी है। और इनफैक्ट हस्बैंड मेरे लिए भी जो है वो समोसा लेकर आए थे, बट मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ नमक पारे थोड़े से और चाय। और जी यहाँ पे आप कोको की हरकतें देख लें, एवरी डे उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है वो बहुत हार्मफुल होता है, बट हम थोड़ा सा ही देते हैं। और यहाँ पे जी चल रहा था तारक मेहता, सबका फेवरेट है भाई मुझे तो लगता है। उसके बाद जी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। लाइट जाने से पहले किचन को कर लेती हूँ बिल्कुल साफ़। नाश्ते की ही जो चाय के बर्तन होते हैं वही बर्तन हैं सिर्फ। और या हस्बैंड ने जो है वो सुबह मेरे सोने के बाद चाय बनाई होगी कैटल में, तो उसकी जो है वो कैटल थी, तो बस जल्दी से बर्तन धोते हैं और फिर चलते हैं। आज मैं जा रही हूँ अपने मैके, फाइनली फाइनली आफ्टर आ एजेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज जा रही हूँ अपने मैके। तकरीबन 2.25 महीने बाद मैं जा रही हूँ आज ना, बहुत टाइम से गई नहीं थी। ना जाने की कोई रीज़न नहीं है, बट मैं नहीं जाती, मैं बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए लोगों के घर जाती हूँ, चाहे वो किसी का भी घर हो, मेरा मैका हो या मेरा ससुराल हो। मैं बहुत लिमिटेड टाइम में, एक टाइम पीरियड में जो है वो आना जाना करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है बहुत जल्दी जल्दी जाना किसी के भी घर, मैं ज़्यादातर अपने घर में रहना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रूटीन बहुत अलग है, हमारी रूटीन बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब रहती है काफ़ी टाइम तक, तो इसलिए मैं ज़्यादा आना जाना नहीं करती। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से किचन हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब चलते हैं जी, निकालते हैं कपड़े। कपड़े वैसे मैंने आयरन कर दिए थे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। आप लोगों ने ये ड्रेस मेरा अभी तक देखा नहीं है, तो बस ये मैंने बकरीद पे जो है वो पहना था, इसलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेस। यहाँ पे जी ये है मेरा 3-पीस ड्रेस। ये ड्रेस बहुत पुराना है, तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको मुझे लिए हुए, बट ये सिला बकरीद पर आके ही है, क्योंकि रखा हुआ था एज इट इज़ ये ऐसे ही, और ये मैंने लिया था 100 कमाल से। और ये है इसका एम्ब्रॉयड्री इस तरह से, ये इसका ट्राउज़र है, ये कॉट सेट है और साथ में इसका दुपट्टा है। तो जी बस अब हो जाते हैं रेडी। यहाँ पे जी मैं हो गई थी रेडी, और एज़ यूजुअल मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी। आजकल ना हस्बैंड बहुत टाइम लगाने लग गए हैं रेडी होने में, अक्सर 2-3 व्लॉग से यही हो रहा है कि मैं तैयार होकर खड़ी हो जाती हूँ और वो आराम से तैयार होते हैं। यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे मामा के घर, और मामा जो है यहाँ पर वो खाने की तैयारियाँ कर रही थी। तो जी आपको बता देते हैं कि खाने में क्या है। यहाँ पर जी है ये दम कीमा, जो कि बहुत डिलीशियस था, वेरी टेस्टी, यकीन करें अच्छा दम कीमा है। और इसके अलावा ये हैं स्टीम चिकन विथ राइस, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं भाई, मुझे बड़े पसंद हैं ये। इसलिए मुझे एसिडिटी हो रही थी, तो मैं ये आराम से खा सकती हूँ। वैसे ये हम लोगों ने सऊदी में खाया था, वहाँ पे बहुत मिलता है ये ना, और अब मम्मा यहाँ पे घर में भी बनाती हैं, तो हम लोगों को बहुत पसंद है ये पर्सनली। अच्छा जी यहाँ पे सबसे खाना तो लग गया था, लेकिन पानी की बॉटल नहीं निकाली थी, तो मैं वो निकाल लेती हूँ। और जी यहाँ पे मम्मा कर रही हैं खाना डिश आउट, ये बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। तो जी यहाँ पे लग गया था खाना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी यहाँ पे हम खाते हैं खाना, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। खाना खाने के बाद हम लोग निकले घर के लिए, तो बारिश इतनी तेज़ थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और घूमे फिरे, और आप देखें हम घर पहुँचे हैं तो हम दोनों बिल्कुल भीग चुके हैं, क्योंकि हमें बारिश बहुत पसंद है। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।